सोनभद्र में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक तरफ पूरा क्षेत्र गर्मी को लेकर तड़प रहा है, जिससे बिजली और पानी की किल्लत से जूझ रहा है। ऐसे में चोरों ने 33,000 बोल्ट की लगभग 400 मीटर तार काट दी, जिससे कुल 8 गांवों की लाइट चली गई। जिसके बाद बिजली विभाग ने कारण को पता करने के लिए अपने लाइनमैन को भेजकर बिजली काटने का कारण पता करने में जुट गए। खड़िया बाजार से पूर्व एस डैम के समीप चोरों द्वारा चलती बिजली के मुख्य तार को पोल को तोड़कर तकरीबन 400 मीटर 33,000 वोल्ट की लाइट को तार काट दिया गया। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना इलाके में चलती हुई लाइन के समय चोरों ने 33,000 वोल्ट बिजली का लगभग 400 मीटर तार काट कर ले गए। ऐसे में कुल 8 गांवों में अंधेरा छा गया। चोरों ने न सिर्फ तार काटा बल्कि पोल को भी तोड़कर नीचे गिरा दिया गया। बीना से कोटा सर्विस स्टेशन के लिए जाने वाली मुख्य लाइट की तार को काट कर चोरी किया गया, जिसके बाद चार्ज पर मौजूद डिबुलगंज जेई द्वारा पुलिस के समेत मौके पर पहुँच कर बिजली सप्लाई सुचारू रूप से करने और चोरों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। चोरों द्वारा भी भारी मात्रा में तार बंडल के रूप में झाड़ियों के बीच में मिला। बता दें कि क्षेत्र में कबाड़ चोरों का आतंक व्याप्त है, जिसको लेकर जनता आक्रोशित है। राजन प्रसाद, ये क्या मामला है, क्यों रात से लाइट डिस्टर्ब हो गई है? रात 12 बजे के बाद से कलब चोर कलब तार को काटे हैं, 2-3 खम्भे तार काट के ले गए हैं। एक पोल भी गिरी है। पोल भी गिरा दिए हैं आरी से काट के। और इसे किससे कितने गांव की लाइट प्रभावित हुई है? इससे 8 गांव की लाइट प्रभावित हुई है। और ये कब तक इसको दुरुस्त करने में लग जाएगा समय? बस 4-5 बजे तक बहाल हो जाएगी। क्या इस पे ऐसे लोगों पे चोरों पे कार्रवाई की FIR किया जाएगा? अज्ञात के नाम से कोई देखा तो नहीं है। इस पे अंकुश लगाने के लिए अब क्या किया जा सकता है? इधर सामने प्रशासनिक कार्रवाई किया जाएगा।